तो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? वेलकम टू आरएच एक्सपेरिमेंट्स। और ये वीडियो का पार्ट 7 और ये है वीडियो का पार्ट एंड। और आज हम लोग वापस रिटर्न जा रहे हैं नासिक, और आपको बहुत जगह हमको घुमाना था आज। मतलब आज नहीं, मतलब हमें आपको घुमाने वाला था, लेकिन जिस काम के लिए मैं आया था, जो अर्जेंट काम था मुझे, जिस काम के लिए मैं इमरजेंसी के लिए आया था, वो काम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था गाइस, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाया। अभी बहुत अंधेरा गाइस, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। देखो मैं टॉर्च लेकर बात कर रहा हूँ। अभी लगभग सुबह के 4 बज रहे। सोचे कि अभी वीडियो बनाते हैं। कल भी मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, सब दोस्त लोग से मैं मिलने गया था। सो, आज मेरा आखिरी दिन इस यहाँ पर, और आपको इसका भी वीडियो बनाऊँगा मैं। अभी जैसे कि मेरा सुबह सुबह 6 बजे ट्रेन है, तो ट्रेन से हम यहाँ से जाने वाले सीधा सियालदा, फिर सियालदा से हम बस पकड़ेंगे, जाएंगे हावड़ा। क्योंकि आपको आप में पार्ट 1 पे आपको मैं नहीं दिखा पाया कि हावड़ा स्टेशन कैसा दिखता है, ठीक है? तो मैं आपको भी दिखा दूंगा, क्योंकि हम दूसरे ट्रेन पर आए थे। तो अभी मैं आपको इस बार हावड़ा स्टेशन और ब्रिज भी दिखा दूंगा, अगर मुमकिन होगा तो हावड़ा ब्रिज दिखा दूंगा। हावड़ा ब्रिज आपने देखा होगा, मेरा जो थंबनेल है पीछे आपने ब्रिज देखा होगा, वही हावड़ा ब्रिज जो कि ब्रिटिश का ज़माने का है, वो आपको दिखाऊंगा। सो मैं अभी तैयार भी हो चुका हूँ। तो अभी 4 भी नहीं बज रहे गाइस, अभी लगभग 4:45 बज रहे और 1 घंटा बाकी सिर्फ। सो चलो चलते घर पर। अभी सब पैकिंग वगैरह हो चुका है मेरा, तो मिलते सीधा स्टेशन पर। सो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए सीधा। मम्मी और पापा पीछे है। सचमुच यार, मतलब अप टू 7 ईयर यानी कि 7 साल बाद आया, बहुत कुछ चेंजेस हो गया यार। देखिए बहुत सारी चीज़ तो मैं घुमा ही नहीं अभी तक, मैं आपको भी नहीं घुमा पाया, लेकिन अभी हमारा प्लानिंग चालू है। नेक्स्ट दिवाली को हम वापस आएंगे, यानी कि अप टू 1 ईयर, यानी कि अभी 1 साल मैं कोशिश करूँगा मैं ज़रूर आने का, ताकि मैं आपको अच्छी तरह सब दिए ये कर दूँ। और थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार, थोड़ा सा समझ रहे हो ना यार, सब दोस्त लोग, मतलब सब दोस्त लोग से मिल नहीं पाया मैं अभी, सुबह सुबह लोग नहीं आ पाएंगे। तो मेरे दोस्त और एक आ रहे पीछे पीछे, जो कि है ना मित्र, जो कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा देर तक मेरे से टाइम स्पेंड किया है। और मुझे आ रहा है नींद, क्योंकि कल आखिरी दिन था, और कल हम लोग ने सब दोस्तों मिलकर बहुत पार्टी किया हमने, लगभग रात को 2-3 बजे तक। सो बहुत ही मज़ा आया हमको कल। चलो आखिरी बार आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ मैं। तो आखिरी बार देख लो यार, ये नदी वगैरह, हम लोग नहा नहीं पाएगा यार, ये एक दुख की बात है। क्योंकि देख रहे हो कितना ज़्यादा, मतलब कि पत्ते आ गए यार, अब ये सब नेक्स्ट ईयर के सब साफ हो जाएगा। ये रहा भाई रेल गेट, आपको मैं पूरा बाहर का व्यू दिखाऊंगा, ठीक है? और आई डोंट नो, 6:30 बजे ट्रेन है, उसमें कितना भीड़ होने वाला है अभी नहीं पता भाई, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है यार, बहुत ही तगड़ा वाला भीड़ होने वाला है, और इसमें तो वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे? भीड़ भाड़ में वीडियो किया, अल्लाह साला फ़ोन ही हाथ से गायब। बहुत ज़्यादा स्नैचिंग होता है यार, ये दो ब्रिज। ये रहा नाम, हिंदी में भी है लिखा हुआ, बंगाली में भी है, इंग्लिश में भी है हमारा स्टेशन का नाम। सो देखो देखो कितना कितना छोटा डिस्टेंस है। हाँ गाइस, ठंडी पड़ रहा है यार। देखो सुबह का नज़ारा यार, काफ़ी बढ़िया लगता है। सचमुच यार टाइम, लेकिन गाइस बहुत ही फास्ट गया यार। तो गाइस आपको आई होप दिख रहा होगा, सामने स्टेशन है, मम्मी पापा आगे चल रहे हैं। तो जूम करता हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पर लाइट जल रहा है, वो है स्टेशन, जिसे आपको बोला था हमारे घर से बहुत ही नज़दीक है स्टेशन। और ये जो आप नदी देख रहे हैं ना, ये पूरा भगवान का नदी है गाइस। और ये रहा हमारा नाम मित्रा, दोस्त आ चुका है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं स्टेशन पर, और ये देखो ये नानी जी बैठी इधर, नानी, ये बड़ी नानी, मम्मी, हाँ मेरा प्यारा दोस्त और ना मित्र। तो
गाइस लगभग 4.5 घंटे के सफ़र करने के बाद हम आ चुके हैं सियालदा, और यहाँ पे है बहुत सारा टैक्सी जिसे हम अभी टिकट काट के सीधा हम जाने वाले हैं हावड़ा स्टेशन। ये रहा भाई सियालदा, आप दिन के समय का देख लो, पिछली बार आपने रात का समय का देखा था, तो देखो अभी आपको आगे जाकर और भी दिखाऊंगा मैं, कलकत्ता शहर है ये गाइस। तो चलिए मैं आपको सीधा टैक्सी पे मिलता हूँ। तो गाइस अभी हम आ चुके टैक्सी में और यहाँ से हम सीधा निकलेंगे हावड़ा स्टेशन। गाइस ये है हावड़ा ब्रिज, जो कि मेरे ठीक थंबनेल के पीछे जो ब्रिज लगाई दिए है, जो कि ब्रिटिश का ज़माने का ब्रिज है। गाइस देखो यार मेरा ब्रिज अधूरा चल रहा है, तो अभी हम इस ब्रिज के ऊपर से ही जाने वाले हैं। और कहीं आपको मालूम है हावड़ा ब्रिज जो है बिना पिलर के खड़ा है। हावड़ा ब्रिज मालूम है सिर्फ दो पिलर में ही खड़ा है हावड़ा ब्रिज, और ये गंगा जमुना इनकी सबसे बड़ा नदी हो गया। स्टेशन आ चुका है, बहुत ही बढ़िया है, मैं अंदर से पूरा दिखाऊंगा। तो गाइस सिंपली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं अभी, और दो ढाई बजे हमारा ट्रेन छूटने वाला है। आपको मैं सिंपली दिखा देता हूँ, गीतांजलि एक्सप्रेस पे बैठे हैं, गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और काफ़ी मतलब थोड़ा सा दुख सा लग रहा है यार, मतलब बहुत जल्द, मतलब ज़्यादा दिन तक हम रुके भी नहीं गाइस, 18 दिन से रुके। तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी ट्रेन छूट रहा है वैसे भी। दो मिनट के लिए वीडियो भी स्टॉप करता हूँ और आपको मैं देखता हूँ थोड़ा सा। हमारा ये सीट रहा 9-10-11 हमारा सीट है, मतलब एक लाइन पे पूरा 3 हमको मिला, ठीक है। तो गाइस वीडियो में बने रहना, वीडियो में आपको मैं आगे भी और भी कुछ बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, तो मिलते थोड़ी देर बाद। गाइस ये है दूसरा दिन और अब क्या ही दिखा रहा, एक ही सीन जो कि है आते समय भी आपने देखा था। तो गाइस आई होप आपको सबके सब पार्ट अच्छा लगा होगा, अगर आपको सब सारे वीडियो के सारे पार्ट अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो को हम वापस लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और ये वीडियो एंड, हमारा पार्ट 7 एंड हो जाता है यहीं पर।